नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। आप देख रहे हैं शाम की हलचल सारिका शिकरवार के साथ। खबर राजनीति से, पंजाब में वृष्टि संकट की आहार, दिल्ली के राजघाट पर धरना देंगे सीएम अमरिंदर सिंह। अर्णब गोस्वामी बोले, पुलिस ने मुझे मारा, अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा, कहा लोकतंत्र को शर्मसार किया। बिहार में राहुल गांधी की आज 2 चुनावी सभाएं, यहां योगी की भी रैली, नीतीश करेंगे 6 सभाएं। गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले, महाराष्ट्र पुलिस कानून के मुताबिक करेगी कार्रवाई। अब खबरें खेल जगत की। आईपीएल 2020 लीग राउंड में दिखा इन युवा खिलाड़ियों का धमाल, टीम इंडिया के लिए ठोका दावा। आईपीएल संदीप शर्मा के सामने कूद रही है रोहित शर्मा के बल्ले की धार, मुंबई ने सबसे बड़ी जीत और हार का बनाया अनोखा रिकॉर्ड। टीम से रोहित शर्मा को बाहर रखने पर उठे बड़े सवाल, अपने ही बातों में फंसे सौरभ गांगुली, धवल कुलकर्णी को लगी गेंद, सचिन ने फिर कहा जरूरी हो हेलमेट पहनना। अब खबरें फिल्मी जगत से, करीना कपूर ने शेयर किया सैफ अली खान की भूत पुलिस का पहला पोस्टर। बिपाशा बसु ने करवा चौथ पर शेयर की रोमांटिक फोटो, बताया करण सिंह ग्रोवर भी रखते हैं व्रत। आदित्य नारायण ने गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ शादी का किया ऐलान, इस महीने लेंगे 7 फेरे। अगले महीने आदित्य नारायण की सजेगी बारात, गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ शेयर की बेहद प्यारी तस्वीर। अब खबरें भोपाल से, पादी नकब जन गिरोह का क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच ने गिरोह के 2 सदस्य को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक और यांत्रिक कर्मचारी संघ निगम कर्मचारियों द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल कोठारी ने बताया है कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी भारी मतों से ही विजय हो। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।